नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मैं विद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण के चलते आज हम कक्षा 7 में हमारे हिंदी विषय में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी, जिसके कहानीकार है, लेखक है ललू भाई रबारी। कहानी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। मनुष्य के जीवन में कहानी का बहुत बड़ा महत्व है। हम बचपन से कहानी सुनते हैं। कहानी क्यों सुनते हैं? कहानी सुनने से हमें क्या मिलता है? तो मित्रों, कहानी से हमें मनोरंजन मिलता है और मनोरंजन के साथ साथ कहानी के पात्रों से हमें कुछ सीख भी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ प्रेरणाएं मिलती है। इसलिए प्रेमचंद, अभिजीत जी जैसे महान हिंदी साहित्य के लेखकों ने कहानी लिखी है। प्रेमचंद की कहानियां हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठ कहानियां है। हरेक भाषा में कहानी मिलती है हमें और इस कहानी के माध्यम से हमें समाज में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी इसमें से मिलता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक कुत्ते की कहानी पढ़ने जा रहा है। कुत्ता वो एक प्राणी है, मनुष्य के साथ साथ प्राणियों में भी जीवन है, लेकिन मनुष्य और प्राणियों में भेद सिर्फ इतना है कि प्राणी में वाचा नहीं है, वो बोल नहीं सकता। मनुष्य को ईश्वर ने वाचा दी है, लेकिन जो प्राणी है, पशु है, पशुओं में वफादारी में कूट कूट कर भरी हुई है। तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी बेवफाई कर सकता है, लेकिन पशु प्राणी वो बेवफाई कम नहीं करता है। कुत्ता एक वफादार प्राणी है। हमने कुत्ते की कहानी सुनी होगी, आज हम इस माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। कुत्ता कैसे वफादारी निभाता है अपने स्वामी के प्रति, इसे हमें यहाँ से वफादारी का गुण सीखने को मिलता है इस कहानी के जरिए। तो मित्रों, इस कहानी का कहानीकार है ललू भाई रबारी। तो इसके कहानी है कि कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जो वफादारी एक कुत्ता दिखाता है, इसका वर्णन किया गया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करने से हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है कि लाखा नाम का जो बंजारा है, उसका एक कुत्ता है, उस कुत्ते को जल्दबाजी में मार डालता है। क्यों मार डालता है कि हम कहानी में अवश्य पढ़ेंगे। तो इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, साथ ही हमें कुत्ते की तरह वफादार होना चाहिए। जल्दबाजी करने से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी है वो उत्तर गुजरात के जो पाटन जिला है, पाटन जिला के पास राधनपुर नाम के गांव है, शहर है। उस शहर में उसके तालाब है, तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि है। यानी कि ये जो घटना है कहानी के माध्यम से, जो कहानी घटना सुन रहे हो,
सत्य घटना पर आधारित है। तो मित्रों अब हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो पुराने जमाने के बाद पहले हम कहानी का सारांश पढ़ लेंगे। तो ये कहानी कुत्ते की वफादार है, वो एक लाला नाम बंजारा था। उस बंजारे के पास एक कुत्ता था। बंजारे के पास बहुत बड़ा व्यवसाय था, वो जीवन जलता थे, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करता था। एक गांव से दूसरे गांव दूर दूर तक जाकर उसका कारोबार फैला हुआ था। लेकिन उसके धंधे में अचानक गिरावट आ गई, उसे काफी नुकसान हुआ। उसके चलते वो एकदम गरीब हो गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, फूटी कौड़ी नहीं है ना, बहुत आया है तो बहुत गरीब हुआ। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, तो एक सेठ के पास गया वो, और सेठ के पास उसने पैसे मांगे। सेठ ने कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? अगर तो पैसा लेके चला गया और अपना पैसा नहीं लौटा तो मेरा पैसा तो जाएगा। तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो तुझे कुछ चीज मेरे यहां गिरवी रखनी। तो लाका बंजारा ने कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं आपके पास कुछ भी गिरवी रख नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास एक वफादार कुत्ता जरूर, अगर आप चाहें तो इस कुत्ते को गिरवी रख सकते हैं। सेठ ने कुत्ते को गिरवी रख लिया। लाखा बंजारा दुखी होकर कुत्ते का अभियोग सहन करके दुखी होकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद सेठ के यहां कुछ लोगों ने चोरी कर ली। कुत्ते को पता था कि चोरी किसने की, और जो धन था चोरी का, वो चोरी का माल था गाढ़ा हुआ है। तो सेठ ने कुत्ते ने सेठ की जो धोती है वो अपने मुंह से पकड़कर जिस जगह पर चोर लोगों ने वो धन गाढ़ा था वहां देकर ले जाकर वहां कुरेदने लगे। सेठ ने वहां कुरवाया तो सेठ का सारा माल जो जर जगेरा धन दौलत थी वहां गाड़ी हुई थी वो निकाली। सेठ बहुत खुश हुआ, कुत्ते की वफादारी पर वो प्रसन्न हो गया, और उसने लाखा बंजारे का कर्ज माफ करने को सोचा और कुत्ते को मुक्त करने के लिए उन्हें छोड़ दिया। लेकिन उसने कुत्ते के गले पे चिट्ठी बांधी और उसमें लिखा था कि लाखा, मैं आपका सारा कर्ज माफ करता हूँ, और तेरे कुत्ते ने मुझे बहुत वफादारी की, इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूँ। कुत्ता आनंदित होकर खुश होकर अपने मालिक अपने स्वामी लाखा बंजारे के पास दौड़ता हुआ जा रहा था। इधर लाखा बंजारा बहुत धन दौलत कमाकर वापस आ रहा था। उसने कुत्ते को आते देखा तो उसके मन में विचार आया कि अगर ये कुत्ता मेरी मुझे लज्जित करेगा अगर वो शेर के यहाँ से भागाया हुआ, तो उसने जरा भी नहीं सोचा और कुत्ते के सर पर एक लाठी मारकर कुत्ते को मार डाला। लेकिन जब उसने कुत्ते के गले पर बंधी हुई चिट्ठी खोली और चिट्ठी पड़ी तो उसे बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब पछतावे की जगह पछतावे के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत रोया, उन्हें बहुत पछतावा हुआ और कुत्ते को गले लगाकर बहुत रोया, और उन्हें लगा कि कुत्ते ने तो मेरी इज्जत रखी, कुत्ते ने तो बहुत अच्छा वफादारी का काम किया। तो उसने इस कुत्ते की याद में वो समाधि बनाई जो आज भी पाटन के राजनपुर के तालाब के किनारे वो समाधि मौजूद है। तो मित्रों इस वार्ता में इस कहानी में हमें कुत्ते की वफादारी का गुण सीखने को मिलता है। तो एक वफादारी का गुण, और दूसरा कौन सा कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये दो पॉइंट इसमें हमें सीखने को मिलते हैं। तो अब हम कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। आप भी अपने पाठ्यपुस्तक खोल के मेरे साथ साथ कहानी में ध्यान रखेंगे, और जब जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उस तरह आप भी मेरे साथ साथ कहानी पढ़िए। पुराने जमाने में व्यापार का
सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। अभी हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना और पहुंचाना, इसका काम हम ट्रक गाड़ी रेलगाड़ी वगैरह और दूसरे देश से जो सामान आता है जाता है वो जहाज स्टीमर द्वारा करते हैं काम। लेकिन पुराने जमाने में इतनी टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बंजारे लोग अपने जो गधे होते हैं ऊंट होते हैं ऐसे प्राणियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे और छोड़ाते थे। एक बंजारा था, तो एक ऐसा बंजारा था ऊंटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। उसके पास काफी ऊंट थे, एक गांव से दूसरे गांव ऊंट पर माल सामान लादकर वो ले जाता था और छोड़ाता था। खाने पीने की जीवन जरूरत के चीज वस्तु का जो सामान होता था वो ऊंटों पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह वो आयात निकास करता था और वहां से मिश्री गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता। तो वहां से वो मिश्री मतलब खान गुड़ मतलब गोल और तरह तरह के मसाले लविंग तज वरियाले जीव वगैरह के गुजराती में आपने वही चीजें, तो ऐसे मसाले गुड़ मिश्री मतलब शक्कर वगैरह वहां से शहर से होगा लाता था। लाखों का व्यापार था उसका, उसका व्यापार लाखों रुपए का, वो एक जैसा तैसा व्यापारी नहीं था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों का व्यापार होने के कारण लोग उसे लाखा बंजारा कहते, उसका नाम लाखा पड़ गया। लाख के पास एक सुंदर कुत्ता था, ऊंट के साथ साथ उसके पास एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता बहुत सुंदर था। कुत्ता बड़ा वफादार था, वो अपने स्वामी भक्ति के अपने स्वामी के प्रति बहुत बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव को रखवाली करता था। जो बंजारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते और रात के समय वो कहीं ठहर जाते अपना पड़ाव रखता, अपना पड़ाव रखते जिसको गुजरात में मुकाम उतारो कही अपने घर, तो अपने पड़ाव में उसके पास धन दौलत खाने पीने की चीज वस्तुएं माल सामान भी होता था, तो इसके रखवाले के लिए वो कुत्ता रखा हुआ था। जब सब बंजारे सो जाते थे तब रात को कुत्ता जागता था, अगर कोई चोर चपाट ऐसे लोग आते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। अगर कोई चोर लुटे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, कुत्ता बहुत वफादार था, किसी को भी नजीक आने नहीं देता था, कोई भी अनजान लोगों को देखकर कुत्ता भौंकता था और इस तरह से कुत्ते की इस वफादारी से लाखा बंजारा बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, मार खा जाना, मित्रों मैंने आपके मुहावरे लिए मार खा जाना का मतलब होता है नुकसान होना। जब हमें कोई धंधे में नुकसान होता है तब हम कहते हैं मैं मार खा गया। परीक्षा में मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ऐसा एक प्रश्न आता है, तो जब भी ऐसे कोई प्रश्न आए तो हमें मुहावरे तैयार करने अपने याद रखने, हमें मुहावरे मार खा जाना का मतलब होता है नुकसान होना। तो इसका लाखों का व्यापार था, व्यापार में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो धंधे में मार खा गया और रुपयों की जरूरत था। स्वाभाविक है
कि हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं और उसमें नुकसान आए तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह लाखों को भी नुकसान होने की वजह से पैसे टूट गए और उन्हें बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। पैसे की जरूरत होने के कारण वो राधनपुर के एक सेठ थे, वहां गया। उसने अपनी बात बताई और लाखा ने राधनपुर के सेठ के पास जाकर कहा कि सेठ, मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा लाखों का कारोबार है, खाने पीने की वस्तुएं, अन्य माल सामान की हेरफेर करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे धंधे में, व्यापार में काफी नुकसान हुआ है, अब मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, तो कृपा करके आप मुझे कुछ रुपये दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दूंगा मगर उसके बदले मैं तुम उसके बदले में तुम क्या चाहिए। सेठ ने कहा, पैसे तो मैं जरूर दूंगा लेकिन पैसे के बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा, तुम्हारे पास कुछ है पैसे के बदले में गिरवी रखने के लिए। सेठ ने कहा, पैसे रुपये तो मैं दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या चाहिए रखोगे। लाखा बोला, लाखा ने कहा, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी थी, फूटी कौड़ी न होना, फूटी कौड़ी न होना, मित्रों मुहावरा है, फूटी कौड़ी न होना ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत गरीब होना अथवा तो बिल्कुल पैसा नहीं होना। फूटी कौड़ी न होना इसका मतलब बहुत गरीब होना, पास में बिल्कुल पैसा नहीं होना। तो लाखा बंजारा भी एकदम गरीब हो गया था पैसे की वजह से। तो उसने कहा कि मैं गिरवी क्या रखूं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हो गया हूं, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कहीं रहू नहीं, मेरी जवान पर विश्वास रखे। जवान का मतलब गुजराती में जीव पर थाय छे अने वचन पर थाय के मारी मारा वचन पर समय विश्वास रखे, मेरे वचन पर विश्वास रखे, मैं आपका पैसा शुद्ध समय लौटा दूंगा। लाखा बंजारा ने विनती की सेठ के आगे, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जवान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, मुझे रुपये दे दीजिए, आपको पूरी रकम शुद्ध समय एक साल में चुका दूंगा। शुद्ध शुद्ध का मतलब होता है या मैं आपका पैसा शुद्ध समय लौटा दूंगा। तो मित्रों मैंने इस कहानी का आपको परिचय करवाया, कहानी क्या होती है, कहानी के इस कहानी में कौन सी कथा वस्तु है, वफादारी और पछतावे की जो कि जो बात है वो बात बनी थी। अब हम अगली बार जब मिलेंगे तब आगे की कहानी पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लेसन में मुहावरे लिखेंगे और पढ़ेंगे साथ में, याद रखेंगे।